ये भाई भी हाय हेलो। ये भाई गोविंद भाई सुबह हमको 9 बजे जाएगा बोल के हम खाना भी ठीक से हमको खाने नहीं दिया और ये अभी 12 बजे आया है। थोड़ा बाइक प्रॉब्लम होने इतना लेट क्यों किया भैया? बाइक थोड़ा प्रॉब्लम हो गया इसके वजह से लेट हो गया भैया। अभी देखो इतना गर्म है लेकिन जितना भी गर्म हो जितना भी लेट हो हम जर्नी छोड़ेगा। ये धूप देखो, धूप कितना कड़क धूप है देखो, हम लोग छोड़ेगा नहीं, फिर भी जाके ही मानेगा इतना गर्म होने से भी। चलो कुछ स्पेशल होता होगा, चलिए चलिए। चलो दोस्तों वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। अभी गोविंद के साथ में कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं हम लोग? हम लोग फ्रॉम वाकड़ टू बसराम कुंड जा रहे हैं। ये देखो हमको ये लेके जाना पड़ रहा है, इतना गर्म है। अभी शाम को आराम से आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऐसे भी काला है और काला हो जाएगा आप तो। कुछ नहीं, काले काले हैं तो क्या हुआ, दिलवाले हैं ये तो। हेलमेट भी नहीं पहना है? हाँ हेलमेट भी नहीं लिया है। आराम से जाएगा, आराम से चलाओ। हाँ हाँ वापस आराम से घर पहुँचना है, ठीक मिल जाएगा, आराम से जाएगा तो जल्दी आएगा, एडवेंचर का मजा लेते जाएगा। तो अभी चलते हैं, बहुत ही गर्मी है। ये गोविंद मेरे लिए कुछ स्पेशल रखा है बोलते, इसलिए मैं मुझे जाना पड़ रहा है। स्पॉन्सर भाई बाजी तो भैया बोलते बन रहे ब्लॉग। तो अभी हम लोग पीछे जाएगा, रुको चलो आगे जाने दो, आप लोग आगे चलिए, हम दोनों पीछे। बहुत महंगा बाइक है ये, क्या है यामाहा R15? आगे वाला क्या बाइक था? R15 है ये भी, R15 है ना, सब महंगा बाइक वाला है और हम जा रहे हैं फ्री में। अरे हम लोग हम लोग बुलेट नहीं है और गोविंद का ये सबसे महंगा बाइक, ये मेरा प्रॉपर आज गोविंद का बाइक मेरा प्रॉपर खत्म करेगा लग रहा है, इतना प्रॉपर डर दे रहा हूँ। चौखम पहुंच गए, चौखम तिनाली। गोविंद भाई बहुत स्लो है, बोलो कहाँ भाग गया इतना जल्दी? स्लो ड्राइव, बोलो बहुत जल्दी भाग गया, हम दोनों अभी तक चौखम ही पहुंचे, बोलो शायद मैं तो पहुंच गया होगा। यहाँ देखो इतना गर्म है, इतना ट्रैफिक है, ये रास्ता छोटा है इससे ट्रैफिक इधर है ना। अब इसको पार करो, तो इसको पार करो, साड़ी नहीं दे रहा ये। इसे कैसे छुटकारा मिलेगा? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है गोविंद, तुम आज आपको गोविंद आज मेरा हालत खराब कर गया, आज आपको बिना तेल का फ्राई करना है। अरे
अरे भाई साहब साथ दे दे। आगे में इतना स्टाइल मार के आया था, अभी पूरा काला हो गया, पूरा काले हो गया, धूल ले दो ना, आग में पूरा धूल घुस गया। मेरे पास गोगल भी नहीं है, कपड़े भी चेंज करना पड़ गया। आगे में हम सोच लेना था अब ये धूल रास्ते में चेंज किया। ये गोविंद भाई आपका बस के बाद नहीं, इसको पार नहीं कर सकेगा। अरे भाई साहब, भाई साहब आराम से अब हमने पार किया उसको। ये चौखम तो मेदुका रोड, ये सबसे ज्यादा यहाँ हमारे खराब है। कम में ऐसे लग रहा है कि मतलब क्या बोलेगा, शाम को कोई धंधा से पीट दिया ऐसा हो जाएगा लग रहा है। ये रात को बहुत अच्छा चमकता है ना यहाँ में लाइट से, इतनी तो मजा नहीं है। यहाँ रेस करेगा क्या? यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। जीरो बोलते है क्या इसको? जीरो है, जीरो 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 में, यहाँ जीरो है, कुछ नहीं है। जीरो में जीरो है। हलवा टाइट हो गया, मेरा तो पूरा कमर डर दे रहा है, पॉकेट डर दे रहा है। तेरा ये सीट छोटा है वो। जसन का नया नया बाइक, पूरा धूल, मजा ले लेंगे। कलर यही कलर तो हम लेने के लिए सोचा था पहले ना। ये कलर उनको बहुत पसंद है ना, मेरे फेवरेट। कितना का है इसका प्राइस? 20,000 एक्स्ट्रा लेता है ना इसका कलर का। कलर का तुमको ज्यादा लिया ना दाम, वही तो बहुत ही बढ़िया बाइक है। तो 12 दिन रुका है बुकिंग करके। अच्छा दिन ना, वही बहुत मतलब पैसा लगता है इसका। नंबर पे भी नहीं लगाया है, 10,000 एक्स्ट्रा। एकदम न्यू है ना, नया दाम तो सेम है, बढ़िया है। तो बाइक तो सेम है, हां उसका दाम ज्यादा है ना। तो अभी हम लोग यहाँ रेस कर रहे हैं, एक घंटा हो चुका है अभी। तेजू से यहाँ जीरो पहुँचा है, मेरा तो हलवा टाइट हो गया, सबका हालत खराब हुआ है, इनका भी स्मोकिंग ठीक नहीं है हेल्थ के लिए, फिर भी ले रहे, कोई बात नहीं। यहाँ से जाता है कठान, आर्टिस्ट, हाँ यहाँ से जाते हैं, हाँ आर्टिस्ट कठान जो बोल, क्या बोला है कठान यहाँ से जाता है, लेकिन इधर दुश्मन ज्यादा है। अच्छा, कौन है दुश्मन वहाँ में? दुश्मन हाँ, ये सब है आम, मेरा सामान जितना था असम का हूँ, आम हाँ, आम हाँ, असम का हूँ, आम असम का है आप जी, मेरा सब सामान तो लूट दिया है उसने। उसने लूट लिया? हाँ जी। क्या क्या सामान लूट लिया? मेरा मिस्त्री सामान लूट दिया है। अच्छा, आप मिस्त्री है जी, नाम क्या है आपका? मेरा कुमार अधिकारी है जी। कुमार अधिकारी जी। तो अभी यहाँ कहाँ बैठा है? हम अभी बैठा तो इस घर में बैठ रहा हूँ, लेकिन मेरा सामान तो लूट गया है वहाँ में। अच्छा, आपका दुश्मन है वो? हाँ जी। हमारा तो नहीं है वो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये सब नेट पे डाल दीजिए। हमें एक ये जीरो में एक मिल गया जो आसाम का है, बोल रहा है कुमार अधिकारी। तो उनका दुख भरी कहानी सुनाया जी, किसी ने उनका सामान लूट लिया। अभी सच है ना झूठ है वो तो मुझे पता नहीं जी, बट अभी जिसका नाम लिया है वो भी आदमी है कि नहीं वो भी पता नहीं। वो वहाँ कहाँ पे करता है बोलता है, उसका कुछ मतलब नकरी है बोलता है। नकरी वाला आदमी ऐसा नहीं करना है कभी भी। नकरी वाला लड़का जी, नकरी है बोलता है। अच्छा जी, नकरी ऐसा नहीं कर, कोई भी पहचानता है, ऐसा नहीं करना है। आज कितना पैक मारा है? नहीं, पेक मारने से भी वही बात है, नहीं मारने से भी वही बात है। कितना पेक मारा वो बताओ? अरे
मारने के लिए तो 10-15 पैक ही मार लिया। अच्छा, 10-15 मार लिया जी। अब ये जो आपने जिसका नाम लिया है, हाँ जी, अगर हाँ। उसने भी पहले यहाँ में क्या बोलता है, यहाँ थोड़ा आगे में ये तो पता नहीं रे जगह का नाम, हाँ। वो कुछ आदमी को भी चेप के मारा हुआ है बोलता है। अच्छा, तो बहुत डेंजर आदमी है क्या वो? डेंजर तो नहीं, वो छोटा मोटा आदमी होगा। तो कैसे आदमी को चेप के मार दिया? आपको भी चेप के मार देगा तो वो? हाँ, हमको भी मारने खोज रहा होगा, लेकिन हम तो मार नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। हम तो आसाम का आदमी, हम निकल गया है जीरो रोड पे, अभी चला जाएगा। तो यहाँ आप घूम रहे हैं ना खुला खुला, वो भी पैक मार के घूम रहे हैं। हम क्या तो करें, नहीं मारने से भी तो नहीं होगा ना, मारना ही पड़ेगा ना, क्योंकि इतना 10,000 का सामान तो हम छोड़ के आया हूँ। चेप के चल दिया तो आप, चेप के चल दिया तो कोई कुछ नहीं बोल सकता, आप खुद पैक मारा हुआ यहाँ में जा रहा था होगा, खुद से लग गया होगा, ऐसे बोलेगा आदमी लोग? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि मेरा सामान वहाँ जितना 10,000 का सामान, कपड़ा सपड़ा बांध के रेडी रहो, यहीं पे है मेरा कपड़ा उपड़ा सामान। तो अभी हम लोग फिर परशुराम कुंड जाने के लिए रेडी हो गया, तो चल गोविंद स्टार्ट करो, चलो फिर चलते हैं। तो चलते हैं आप लोग आगे, अपना दुश्मन से सावधान रखो, हाँ, कहीं से भी मार के चल देगा। हाँ जी, ओके बाय। कोई दुश्मन होता होगा, शायद मिस्त्री का काम करता है, किसी ने उनका मिस्त्री का जो सामान होता है शायद उनको लेके चल दिया, शायद ये बदमाश का होगा, काम नहीं किया होगा इसीलिए उसने लेके चल दिया। जो कहाँ में है हम कमलंग रिजोर्ट कभी आए नहीं, ये कमलंग नदी यहाँ इतना गर्म में फोटोग्राफर लोग वीडियो लेगा ना, फोटो वोटो खींच रहे हैं, इतना दूर आया है फोटो के लिए। वहां लड़का नहा रहा है तो भाई लोग पूरा नहा रहे नीचे में, ये वाकरों का लड़का लो होगा, ये पानी इतना सफा है ना, वाह इतना क्लियर है पानी, तो नहाने मजा लगता होगा। यहाँ पे एक शिव मंदिर भी है, गोविंद भाई उससे से फोटो खींच रहे हम लोग को। चलो एक्शन, हेमंत तो निकल देगा ना, रुको। मुझे तो नहीं आता है कैसे पोस्ट करेगा, पोस्ट करेगा कैसे? यहाँ यहाँ आगे आ जाओ, इधर आगे आ जाओ। ओ क्या है, फोटो अपना अपना पोस्ट दिखाओ। चलो गोविंद भाई, हो गया हो गया, चलिए अभी चलते हैं फिर वाकरों की ओर। चल गोविंद स्टार्ट करो, चलिए अभी गर्मी है। अरे रुको रुको, हमको बैठे दो, ये हमारे हीरो आ रहे हैं, आज का मेन हीरो। ये हीरो फ्लॉप हुआ है, बहुत टाइम लग गया, ऐसे 20-20 में थोड़ा रेस्ट करना सा ठीक लगता है, आपको थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है, थोड़ा आराम मिल जाता है। तो अभी ये वाकरों का गेट अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत ही बड़ा गेट बना रहा है कमलंग टाइगर रिजर्व।
अभी वाकरो बाजार ना वो छाया में अभी यहाँ थोड़ा रेस्ट करेगा अभी। अच्छा ये बहुत बड़ा बिल्डिंग बना के रखा है तो वाकरो में जाएंगे आप? हाँ परशुराम कुंड। कहाँ से आया? हम आया बेंगलोर से। बेंगलोर से इतना दूर से? हाँ ये चाचा एक तो बेंगलोर से आया है बोलते हैं परशुराम कुंड जाने के लिए। पानी ठंडा वाला पानी दे दीजिए, यहाँ से ठंडा पानी पी के जाएंगे। अभी इतना गर्म में पानी भी फिर से नहीं पीना है, वो बीमार हो जाएगा उल्टा है। यहाँ से पानी ले लिया, पानी का पेमेंट। ये हम लोग का फाइनेंस गोविंद है आज का दिन, फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया। कैमरा घुमा के स्पॉन्सरशिप बोल के वापस भी दिखा दीजिए ना। क्या चीज का? अच्छा वाला आइसक्रीम है, बिक्री होता है आपका? हाँ दिन में कितना कमा लेता है? मजरा बन जाता है 400-500। 400-500 कभी 300 माने बिक्री को सेलिंग को। ये जो दाएं जाने से 80 किलोमीटर होता है पूरा। ये हम लोग का गाइड पाकरो का लोकल लोकल गाइड है लोग। टाटा। हलवा टाइट। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? चलिए लेकिन उधर का हम लोग परशुराम कुंड पहुँचने वाले हैं। अभी परशुराम पहुँचने वाला है। यहाँ से कुछ खाएगा क्या तुम्हें? हाँ ऊपर जा लगे पहले। हाँ टाइम लगे ना ऊपर में, यहाँ खा लो। आगे रुका, आगे का वो छह राजा का मिल जाएगा। हाँ वो छह हम बोला खा पी के चलो। कुंड का यहाँ पे होटल में पहुँच गया, यहाँ पे बहुत सारे होटल है, यहाँ पे कुछ खाएगा, भूख लग गया सुबह से। हाँ हलवा टाइट हो गया।